पारंपरिक से जुड़े विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, समय समय पे मेरे पास काफ़ी बार क्वेरीज आती रहती है हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में कि अगर हमारी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है तो ये जुड़ क्यों नहीं रहा है या कितने दिन में जुड़ेगा, क्या ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो उसके बाद कितने दिन में जुड़ेगा और अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो कितने दिन में जुड़ेगा। वैसे तो हर फ्रैक्चर के लिए एक साथ ये रूल बनाना बहुत मुश्किल है, हर फ्रैक्चर अपने अलग टाइप का होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में कॉमन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फ्रैक्चर आखिर जुड़ते कैसे हैं। दोस्तों, बोन हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा जिद्दी टिश्यू है, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि जिसको कि जो जोड़ना सबसे मुश्किल है ऐसा टिश्यू है। आपने देखा होगा कि जब हम शेव करते हैं तो हल्का सा कट लगता है लेकिन नेक्स्ट दिन हम पूरे सही हो जाते हैं क्योंकि चेहरे की जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत अच्छी होती है। इसके विपरीत बोन की जो ब्लड सप्लाई है दोस्तों बहुत कम होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो लंबाई है 4 फुट या 5 फुट जो भी आप लोगों की लंबाई है उसको बढ़ने के लिए आपको 18 से 20 साल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लंबाई बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, बोन की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो बोन को आपस में जोड़ना होता है, बोन इसके अंदर भी बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करती है और किसी भी फ्रैक्चर को जुड़ने में 3-3.5 महीने से लेकर 6-9 महीने तक भी लग सकते हैं। इसमें क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि फ्रैक्चर जल्दी जुड़ेगा या लेट जुड़ेगा, तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो लोकल फैक्टर और एक बॉडी के फैक्टर्स। बॉडी के फैक्टर जैसे कि मान लीजिए अगर पेशेंट है, उसके ऑस्टियोपोरोसिस है, उसकी एज 50 साल से ज़्यादा है और हड्डियाँ पहले से कमज़ोर हैं, ऐसे में हड्डी जुड़ने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। ऐसे पेशेंट को हड्डी को जुड़ने के लिए स्पेशल मेडिसिन होती हैं जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं, कैल्शियम होता है, जेमटाइड इंजेक्शन, टेरीपेराटाइड इंजेक्शन, हारमोन्स होते हैं, उस प्रकार से इनकी हड्डियों को जोड़ने में रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस या सॉफ्ट बोन होने से आपके फ्रैक्चर्स को जुड़ने में लेट हो सकता है। दूसरा कारण जो कि आपकी हड्डियों को लेट कर सकता है वो पुअर न्यूट्रिशन। अगर आपके विटामिन डी और कैल्शियम की शरीर में कमी है, अगर आप यंग भी हैं लेकिन विटामिन डी की कमी है, तो ऐसे समय में आपको हड्डी को जुड़ने में काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। दूसरा एक जो चीज़ है वो है डायबिटीज़, थायराइड या कोई और सिस्टेमिक फैक्टर, जैसे कि आप किसी चीज़ की कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल खून पतला लेने के लिए आप दवाई हेपेरिन लेते हैं या अगर आपके एपिलेप्सी है और उसके लिए आप फेनिटोइन लेते हैं, तो ये जो दवाइयाँ होती हैं दोस्तों ये भी बोन को सॉफ्ट कर देती हैं और इसकी वजह से अगर गठिया बाय है तो आप स्टीरॉयड्स ले रहे हैं, तो स्टीरॉयड्स हुआ, हेपेरिन हुआ और इस प्रकार की जो दवाइयाँ हुई ये भी बोन को सॉफ्ट कर देती हैं और इन बीमारियों से ग्रस्त जो लोग होते हैं उसके अंदर भी फ्रैक्चर को जुड़ने में सामान्य से ज़्यादा समय लग सकता है। तो ये तो हुए सिस्टेमिक फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं और जिनकी वजह से कि हमारा फ्रैक्चर जुड़ने में लेट होता है। तो जो लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हैं वो अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए अगर फ्रैक्चर हो जाता है। अगर आपके डॉक्टर अलाउ करें तो ऐसी दवाइयाँ जो कि फ्रैक्चर की हीलिंग को स्लो करती हैं उन्हें हम कुछ दिनों के लिए बंद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोकल फैक्टर्स की, यानी कि फ्रैक्चर के आसपास मौजूद कौन कौन से कारण हैं जो हड्डी को जुड़ने में लेट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण है कंपाउंड फ्रैक्चर। यदि आपके फ्रैक्चर के ऊपर जो स्किन थी वो फट गई है और वहाँ से ब्लड निकला है या फिर वहाँ से बोन दिख रही है, तो ऐसे फ्रैक्चर्स को कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, यानी कि फ्रैक्चर के वक्त ही अगर बोन का पीस बाहर आ जाता है या फिर वहाँ से काफ़ी सारा ब्लड निकलता है और एक बड़ा जख्म बन जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे बोन टच में आ जाती है। इससे बहुत बड़ी नुकसान जो होता है वो ये होता है कि एक तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, दूसरा एक नुकसान ये होता है कि जो फ्रैक्चर को हीलिंग के लिए ब्लड इकट्ठा होना चाहिए वो हो नहीं पाता क्योंकि वो जो स्किन में ब्रीच हुआ है, स्किन में जो खड्डा हुआ है उससे ब्लड बाहर निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो फ्रैक्चर होते हैं इन्हें कंपाउंड फ्रैक्चर कहा जाता है। इनमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और कंपाउंड फ्रैक्चर्स को जुड़ने में नॉर्मल टाइम से डबल से ट्रिपल टाइम भी लग सकता है। तो अगर आपके कंपाउंड फ्रैक्चर है तो आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। कंपाउंड फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट सिंपल फ्रैक्चर जैसा नहीं होता, उसमें अंदर की प्लेट या रॉड लगाने पर भी इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, तो डॉक्टर की सहमति से जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करे वो इलाज इसमें करवाना चाहिए। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर फ्रैक्चर कंपाउंड है तो ट्रीटमेंट में टाइम ज़्यादा लग सकता है। दूसरा होता है कम्यूनेटेड फ्रैक्चर। अगर आपका जो फ्रैक्चर है वो इस प्रकार से टूट गया है कि उसके 10-15 टुकड़े हो गए हैं, बोन के बहुत छोटे छोटे पीस हो गए हैं, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि इन पीस को जुड़ने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जो कम्यूनेटेड फ्रैक्चर्स जिनको बोलते हैं क्रश फ्रैक्चर, जिनके अंदर की बहुत ज़्यादा मात्रा में हड्डी के टुकड़े हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि उन टुकड़ों को जोड़ने में समय से ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये मोटे मोटे फैक्टर्स थे जिनको मैंने आपको बताया। आयु भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर फ्रैक्चर बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर मेनोपॉज के बाद महिलाओं को लें या फिर 60 साल की उम्र से ज़्यादा के बुजुर्गों को लें तो उस वक्त फ्रैक्चर जुड़ने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि न्यूट्रिशनल और हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस है वो इस एज में होते ही हैं।
तो ये थी एक बेसिक जानकारी कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपके फ्रैक्चर को जुड़ने में टाइम लगा सकता है। अब हमें डिसाइड करना होता है कि फ्रैक्चर को आपको प्लास्टर से जुड़ाना है या ऑपरेशन से। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही दोस्तों आप लोगों को बताया था कि हर फ्रैक्चर के लिए एक सिंपल रूल तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर जो फ्रैक्चर जॉइंट के आसपास होते हैं उन्हें हमारी भाषा में इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर कहते हैं। दोस्तों इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स में तो हमेशा ऑपरेशन की तरफ ही जाना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते तो आर्टिकुलर या जॉइंट के आसपास के फ्रैक्चर्स को जुड़ने में दिक्कत आ सकती है। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अगर आपके पास भी ऐसा फ्रैक्चर हुआ है जो जॉइंट के आसपास मौजूद है तो ऐसी स्थिति में आपको उसके लिए सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा ही एक फ्रैक्चर है नेक फीमर फ्रैक्चर या कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर। ये भी दोस्तों एक इस प्रकार का फ्रैक्चर है कि जिसे अपने आप जुड़ने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं और इसमें सर्जरी के ऑप्शन के लिए जाना ही अच्छा होता है। इसके अलावा एंकल में टैलस बोन का फ्रैक्चर और कलाई में स्केफोइड का बोन का फ्रैक्चर कुछ ऐसे फ्रैक्चर हैं जिन्हें कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी माना जाता है कि जिनके अंदर एकदम परफेक्ट फिक्सेशन चाहिए होता है और ये सर्जरी के माध्यम से ही हो सकता है। बच्चों के अंदर काफ़ी हद तक हम फ्रैक्चर्स को कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं और प्लास्टर लगा सकते हैं। उसकी वजह ये रहती है कि बच्चों का जो हीलिंग पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके बोन की जो ब्लड सप्लाई जिसका मैंने प्रारंभ में ही जिक्र किया था वो बहुत अच्छी होती है, तो उनके अंदर ज़्यादातर फ्रैक्चर जो होते हैं दोस्तों वो बिना किसी ऑपरेशन के जुड़ जाते हैं। लेकिन उनके अंदर भी अगर एल्बो के आसपास कोई फ्रैक्चर है, जॉइंट के आसपास कोई फ्रैक्चर है, तो ये हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह दें। दोस्तों इस सीरीज़ में ये मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फ्रैक्चर्स हैं उनके बारे में मैं आपको वन बाई वन इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी कोई फ्रैक्चर है और उसको जुड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं जिसका लिंक नीचे उपलब्ध है। धन्यवाद दोस्तों।